हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटिल एंजल्स। जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में स्विफ्ट BIC और IBAN कार्ड किस तरह हम अपने बैंक से ले सकते हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जी फ्रेंड्स, आप गूगल क्रोम पर जाके आप देख सकते हैं, आपको अपना स्विफ्ट BIC कार्ड लिखना है और साथ HBL या UBL है, कराची का है, लाहौर का, इस्लामाबाद का, आपने आगे लिख के आपके सामने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एक दफ़ा आपने एड्रेस आपने देखने कि आपका अकाउंट आपने यहीं से अपना अकाउंट आपने ओपन करवाया है, ठीक है, बैंक एड्रेस आप याद से देख लेगा तो आपका वही स्विफ्ट कोड आपको फर्स्ट टाइम अपना नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब IBAN कोड आप देख सकते हैं, CC पाकिस्तान यानी कि PK आपने लिखना है, ठीक है। चेक डिजिट यानी कि पीछे आप देख सकते हैं कि उसमें 007 था तो इसमें क्या उस वही डिजिट आ जाने हैं और बैंक कोड आ जाने हैं और डोमेस्टिक अमाउंट आपका जो IBAN आप जब आप निकलवाते हैं अपने बैंक अकाउंट से, आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी स्लिप पे आपको लिखा हुआ नज़र आता है। ये फ्रेंड्स पेमेंट मेथड पे 3 टाइप के थे, ठीक है। वेस्टर्न यूनियन ख़त्म हो गया तो हम वायर ट्रांसफ़र पर हम अपना ऐड करेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। या बैंक अकाउंट देख सकते हैं, बैंक अकाउंट के लिए आपने बेनिफिशियरी ID जो है ये ऑप्शनल है, ठीक है। नेम और बैंक अकाउंट आपने जो अपने जो है आपने अपना बैंक अकाउंट लिखना है, HBL और कौन सी इसमें है आपने लिख देना है, ठीक है। आप देख सकते हैं नेम और बैंक अकाउंट आपने अपना नाम लिखना है, जिस अकाउंट से आपका नेम आप जिस अकाउंट से बना है आपने वही नेम इसमें शो करवा देना है, ठीक है। बैंक नेम आपने वो लिखना है जिस पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, यानी कि UBL, HBL और भी बैंक्स हैं, ठीक है, आपने वही आपके यहाँ लिखना है। स्विफ्ट BIC मैंने आपको बताया है किस तरह हमने लिखना है, ठीक है। आप कोड किस तरह लेना है, स्विफ्ट BIC कोड हमने किस तरह नेट से गूगल से ले लेना है। और IBAN आप जब अपना फर्स्ट टाइम जो आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है, किसी भी अकाउंट की जो पहली स्लिप आप रिसीव करते हैं उस पर आपका IBAN कोड यानी कि सब डिटेल से लिखा हुआ होता है, आपका बैंक अकाउंट लिखा हुआ होता है, सिर्फ आपने यहाँ पे उसे राइट करना है। उसमें सारा कोड होता है, बैंक जो अपना कोड बैंक कोड होता है और आपका अकाउंट कोड भी उसमें होता है, ठीक है। आपको IBAN अपना जो बैंक कि अकाउंट स्लिप जो होती है आपको उसमें से मिल जाएगा कि जब हम फर्स्ट टाइम जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं हमें उसमें जो कैश है हमें इसमें देना पड़ता है, तो उसे जैसे 2000 का है अगर हमने बैंक अकाउंट खुलवाया है तो उसमें आप जब आप रिसीव देंगे वो हमें रिसीव देंगे, ठीक है, तो उस पर आपको सब कुछ अपना IBAN कोड सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने सब कर लिया, BIC कोड मैंने आपको बताया कैसे, ठीक है, IBAN कोड और ये बाकी इंटरमीडियरी बैंक है, ये आप अभी देना है, इससे ज़्यादा कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल में है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये मैंने अपना बैंक का जो BIC है वो कोड है इसमें डाला है। पहले जब मैंने अपना अकाउंट जो मैंने पेमेंट सेटिंग ऑन की थी तो आप उस पर लिखा हुआ था पेमेंट ऑन होल्ड, यानी कि मेरी पेमेंट सेटिंग अभी सही नहीं हुई थी इसकी वजह से पेमेंट ऑन होल्ड। फ्रेंड्स, आप देखिएगा जब मैं आपको दोबारा लास्ट सेटिंग दिखाऊंगी तो ऑन होल्ड वाला जो सिस्टम है वो इसमें ख़त्म हो गया, यानी कि वो मेरे पास कोई भी ऊपर नोटिस शो नहीं हो रहा। IBAN कोड मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपने IBAN पहले आपने ऊपर करना है फिर आपने नीचे ये टाइप करके IBAN, जी आप देख सकते हैं IBAN कोड मैंने इसमें एंटर कर लिया है, ठीक है। ये बाकी नीचे FFC और FPO RCO बैंक अभी इतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आपने इसे सेव कर देना है। जी ये मैं सेव कर दिया है, सेव के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ऊपर पहले मुझे ऑप्शन शो हो रहा था वो अब मुझे नहीं हो रहा ऑन होल्ड वाला,
बैंक ट्रांसफ़र टू बैंक अकाउंट, यानी कि अब मेरा बैंक अकाउंट उनके पास चला गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन, अब पाकिस्तान में अब हम इससे पैसे नहीं निकलवा सकते, इसलिए अब हमें बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। जिनके बैंक अकाउंट नहीं बने हुए हैं वो काइंडली आप बैंक अकाउंट अपने खुलवा लीजिए। या आप देख सकते हैं पहले मुझे पेमेंट ऑन होल्ड आ रहा था, अब इसमें मुझे कोई पेमेंट ऑन होल्ड नहीं शो हो रहा। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।